लोगों को लगता था इतना टैक्स देते हैं हम लोग, 24 घंटे मेहनत करते हैं, टैक्स देने का क्या फ़ायदा होता है। लोग देखते थे नेता चोरी करते हैं, सरकारें चोरी करती हैं, भ्रष्टाचार होता है। लेकिन अब पिछले 4-5 साल से लोग देख रहे हैं कि हम टैक्स का पैसा दे रहे हैं तो काम आ रहा है। अब लोगों को ये विश्वास हो रहा है कल को मेरा एक्सीडेंट हो गया तो कम से कम सरकार है, मेरी जान तुरंत बच जाएगी। और कहा जाता है कि जो एक्सीडेंट के बाद पहला 1 घंटा होता है जिसको गोल्डन आवर कहते हैं, अगर उस 1 घंटे के अंदर दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो उसकी जान बचने के 70-80% चांस ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे उसकी सांस धीरे धीरे कम होती जाती है। वो गोल्डन आवर मेडिकल उसमें कहा जाता है कि सबसे ज़रूरी होता है। उसमें हमने देखा कि जैसा अभी पीयूष जी ने भी बताया कि लोग डरा करते थे पहले किसी भी दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल में ले जाने से। उनके 2 डर होते थे, एक डर तो ये होता था कि मैं अस्पताल में लेके गया और उन्होंने अगर दाखिल नहीं किया, अक्सर सुन अखबारों में हम पढ़ते थे इस अस्पताल में ले गए अस्पताल वाले ने मना कर दिया, फिर उस अस्पताल में ले गए उसने भी मना कर दिया, तो आदमी सोचता था ये तो मेरे गले पड़ जाएगा, मैं कहाँ कहाँ लेके जाऊँगा, कब तक मैं घूमूंगा, तो लोगों को ये डर होता था। और दूसरा डर होता था कि पुलिस वाले फिर तंग करेंगे, 10 बार मेरे को बुलाएंगे। अब ये दोनों डर खत्म कर दिए। सबसे पहले तो आप किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल, जो भी सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल आपके पास है, वो चाहे कितना भी बड़ा अस्पताल क्यों ना हो, उसमें कितना भी खर्चा क्यों ना आता हो, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको उसको उठा के नियरेस्ट हॉस्पिटल के अंदर लेके जाना है। सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। और दूसरा सबसे बड़ा सबूत यह है कि ये 3000 जानें बचाई गई, इनमें जितने लोग लेके गए पुलिस ने उनका सबका साथ दिया, पुलिस ने किसी को तंग नहीं किया। तो पुलिस किसी को तंग नहीं करती, अपने दिमाग से इस बात को निकाल देना चाहिए, पुलिस पूरा सहयोग करती है इस पूरे काम के अंदर। सो अब मुझे, मैं उम्मीद करता हूँ, जैसे निर्भया का कांड हुआ था, निर्भया में भी हमने पढ़ा अखबारों के अंदर कि वो 1 घंटे तक सड़क के ऊपर पड़ी रही, लोग आते जाते उसको देखते रहे, किसी ने उसको उठा के अस्पताल के अंदर भर्ती नहीं कराया। अभी पीयूष जी ने अपने भाई की घटना बताई कि किस तरह से 45 मिनट तक वो सड़क के ऊपर पड़ा, किसी ने भी उनको अस्पताल के अंदर भर्ती नहीं कराया। अगर इस किस्म की लोगों को टाइम पे भर्ती करा दिया जाए तो मुझे लगता है उन सबकी जान बचाई जा सकती है। तो ये जितने लोग जान बचा रहे हैं, फरिश्ता और होता क्या है, कहानियों में जो पढ़ा करते थे वो फरिश्ते क्या होते हैं, फरिश्ते वही तो होते हैं जो जान बचाता है किसी के। तो जिन लोगों की जान बची उन लोगों के लिए तो यही फरिश्ते थे जो उन लोगों को अस्पताल में लेके गए। अगर ये अस्पताल में नहीं लेके जाते तो पता नहीं जान बचती कि नहीं बचती। तो मुझे बेहद खुशी, आज इस स्कीम का एक फॉर्मल लॉन्च किया जा रहा है फरिश्ते दिल्ली के, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब दिल्ली के लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके हमारे लिए, दिल्ली के एक एक नागरिक की जान की बहुत कीमत है, उसकी जान बचाने के लिए दिल्ली सरकार को कितने भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे हम पैसे खर्च करेंगे, उसमें हम कोई कटौती नहीं करेंगे।